दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य का जस्ट एड 2.0 एप्लीकेशन से कैसे आप टारगेट लगाएंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं और टारगेट स्टॉप लॉस के साथ अपनी कैसे पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको होम पेज पर आना है। आप इस तरह से कुछ विंडो दिखेगा होम का, ठीक है। स्वास्थिका की तरफ से आपको डेली रिकमेंडेशन भी आपको मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली जो कॉल है वो कॉल भी आपने आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी बैंक निफ्टी की कॉल चल रही है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आपको दिख जाएगा। ये निफ्टी का चल रहा है रिकमेंडेशन। आप यहाँ पे इसका भी फ़ायदा इजली उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे अपन टारगेट लगाएंगे, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिंपल सा आपको वॉच लिस्ट पे आना है और इसके बाद जो भी स्टॉक आपको बाई करना है, लेट सपोज मुझे SBI बाई करना है, मैं उसमें क्लिक करूँगा, ये मेरा बाई वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं सिंपल सा बाई में क्लिक करूँगा, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर, उसके राइट साइड में बाई सेल का विंडो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपने विंडो चेंज कर सकते हैं। बाई में क्लिक करेंगे तो ये बाई हो जाएगा, अगर सेल में क्लिक करेंगे तो सेल में हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट टाइप में आपको इंट्राडे रखना है, ऑर्डर टाइप में आपको रेगुलर रखना है। अगर आपको जिस प्राइस, अगर अभी प्राइस चल रहा है 507 रुपये, अगर आपको लेना है 510 रुपये से, तब आप यहाँ पे SL सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या रखना है, रेगुलर ऑर्डर ही रखना है। अगर मार्केट करंट मार्केट से लेना है तो बाई एट मार्केट प्राइस में क्लिक कर देना है, तो करंट मार्केट से बाई हो जाएगा। और अगर आपको सिंपल सा पोजीशन लेनी है प्राइस से, तो आप यहाँ पे प्राइस डाल दोगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे 505 से इसको बाई करना है। अब अगर आपको टारगेट स्टॉप लॉस के साथ लेना है इस स्टॉक को, तो आप क्या करेंगे, एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट में आप वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, तो आप यहां पे स्टॉप लॉस जितने रुपए का रखना चाहें। लेट सपोज मुझे स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 3 रुपए का, तो मैं यहां पे डालूंगा 3, ठीक है। तो ये प्राइस आ गई मेरी 502। जैसे ही 502 पे नीचे मार्केट आता है आपका SL ट्रिगर हो जाएगा। और मुझे टारगेट भी रखना है कितने का, 2 रुपए का, तो ये मेरा 507 रुपए। जैसे 507 रुपए के ऊपर जाएगा आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं सिंपल सा रिव्यू में क्लिक करूंगा। अब आप यहां पे सारी चीज़ें इसकी देख सकते हैं, सारी डिटेल्स। जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे, आपका जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो ब्रैकेट ऑर्डर हो रहा है, बाई प्राइस है 505 की, ऑर्डर टाइप है रेगुलर, आप स्टॉप लॉस होता है 502 रुपये का और टारगेट होता है आपका 507 रुपये का। तो आप सिंपल सा बाई में क्लिक करेंगे, जैसे बाई में क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब आप सिंपल सा यहीं से ऑर्डर बुक में जाएंगे, ऑर्डर बुक पे जाके आपको पेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको देखना है कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। सिंपल सा आप पेंडिंग में क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट स्टॉप लॉस के साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप बिना टारगेट और स्टॉप लॉस के, अगर दोनों एक साथ आपको नहीं लगाना है, तो आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके बाद कैसे आप उसमें आप टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। आपको मार्केट वॉच पे जाना है, जो भी स्टॉक आपको बाई करना है स्टॉक में आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा। लेट सपोज मुझे BPCL का एक स्टॉक बाई करना है, सिंपल से मैं बाई में क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर अपना डाल दूँगा, इसके बाद रिव्यू में मैं क्लिक करूँगा और बाई में सिंपल सा मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक पे जाएंगे, आप पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ऑर्डर आई थिंक लग चुका है। आप ये देख पाएंगे मैसेज आ चुका है आपके पास, तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप एक ही चीज़ लगा सकते हैं पहले,
या तो आप टारगेट लगा लें या तो स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है। एक ही चीज़ इसमें लगा सकते हैं, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन पे जाऊँगा, गेट पोजीशन में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल पोजीशन में देखेंगे कितनी कौन कौन सी पोजीशन आपकी लगी है। फ़िलहाल मेरी ये जो BPCL की पोजीशन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे बाई मोड लिखा है और सेल लिखा है, सेल के बगल में स्क्वायर ऑफ लिखा है। आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी आपका प्राइस है, ठीक है, वो आप प्राइस डालेंगे। और जैसे मैंने लिया था 50 387 रुपये 50 पैसे से, ठीक है, तो मैं इसको लगा देता हूँ 387 रुपये 70 पैसे का, मैं इसमें अपना टारगेट अपना प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लगा दिया है, ये देखिए ऑर्डर आपका लग चुका है। पेंडिंग में जाएंगे, ये आपका टारगेट लग चुका है, ठीक है ना। तो इसमें आप एक ही चीज़ लगा सकते हैं, या तो अपना टारगेट लगा सकते हैं या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर आपको कैंसिल करना होगा, ठीक है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मैंने पोजीशन आपको दिखा दी थी कि स्टॉप लॉस लगा के, अब मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, इसके बाद अगर मुझे अब इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गेट पोजीशन पे जाऊँगा। गेट पोजीशन पे जाने के बाद मैं BPCL वाले ऑर्डर में क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ है, सेल स्क्वायर ऑफ, इस पर अब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर ना करके आपको SL में क्लिक करना है। SL में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी प्राइस आप जितने रुपए से आप निकालना चाहें, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ स्टॉप लॉस, जैसे मेरा मैं लगाना चाहता हूँ 185 रुपये से, यहाँ पे 185 डालेंगे और यहाँ पे 5 पॉइंट ऊपर आपको रखना पड़ेगा, 185.05, ठीक है। आप रिव्यू में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सेल में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर बुक में आप जाएंगे, ऑर्डर बुक पे जाने के बाद आप देख लेंगे यहाँ पे पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये ऑर्डर आपका पेंडिंग है, ये आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन या फिर कमोडिटी किसी में भी आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस और ये स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं। अगर आपको नया डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप नया डीमैट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन आईडी में दिख जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।